हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनी। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक आप सबका एक न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज का जो ब्लॉग है हमारा शिखर में शूट होने वाला है। जगह आप देख सकते हैं, ये हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेंगे क्योंकि लेट हो गए, वो हम चलने की बात प्लान करेंगे। बट फिलहाल हम जो है आधे रास्ते जहाँ तक जा सकते हैं इजीली, वहाँ जाके आपको ज़रा फोटो दिखाएंगे वहाँ की। और उसके अलावा जो है वो अमीर भाई आपको ज़रा बताएंगे वो पहुँच के। बाकी रास्ता आप देख सकते हैं, अभी से अगर ये हाल है तो आगे जाते जाते रास्ता जो है ना गड़बड़ होता जाएगा। बाकी पर पहुँचते हैं, देन आप लोगों को सिनेरियोस दिखाता हूँ मैं। मैं आपको दिखाया काफ़ी जो है वो ख़तरनाक रास्ता हुआ है। जहाँ तक हम बाइक पे आ सकते थे वहाँ पे आ गए, यहाँ से आ सके तो बाइक आ नहीं सकती। पुल देख सकते हैं, लोगों का अपना बनाया हुआ, हालत टाइट कर दी हमारी। और कितना ही ख़तरनाक किस्म का यहाँ पे व्यू है। हालत थोड़ी खस्ता है इसकी वजह से। गाइस हम जा रहे हैं अब नीचे, मुझे नहीं पता ये मेरे कज़न मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, बस मैं इन्हीं के पीछे पीछे जा रहा हूँ। बाकी आप तो स्पॉट पे पहुँच के जाते हैं क्या सिनेरियो है। आई थिंक ये उधर लेके जा रहा है जहाँ पे हमारी ज़मीन है। बट यहाँ पे ये जितना भी पथरीला इलाका है ना, ये सारा पत्थर इसलिए बना हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो पिछले कुछ सालों में फ्लड ज़्यादा होने की वजह से ये सारे जो ज़मीन है ना कट के जो है ना ये काम ख़राब हो गया लोगों का। बट लेट्स सी, नीचे पहुंच के चेक करते हैं कैसी की खूबसूरती है। गाइस लेके जा रहे हैं पता नहीं छोटे छोटे रास्तों से, अब ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसका तो मुझे खुद भी नहीं पता। हम भी बस जाते जा रहे हैं, लेट्स सी के एट द एंड कहाँ पहुँचते हैं। तकरीबन ऐसा ही रास्ता जो है वो ऊपर पहाड़ों को भी निकलता है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम ब्लॉग फेंकेंगे। बट वो ब्लॉग थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हमने ऊपर पहाड़ों में जाना है घूमने के लिए, देन उसके बाद वापस भी आना है, फिर वापस इस्लामाबाद भी जाना है। तो उस चक्कर में माइट पॉसिबल कि वो ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाए, बट वो जो है ब्लॉग अमेजिंग किस्म का होगा। रास्ता तकरीबन उसका भी ऐसा ही है क्योंकि लास्ट टाइम मैं जा चुका हूँ, बट उस टाइम पर वीडियो शीडियोज़ मैंने नहीं बनाई, बट इस टाइम लाजमी वीडियोज़ दिखाएंगे आप लोग को इंशाल्लाह। कैसे कैसे रस्तों जाना पड़ रहा है, मत सवार है। A few moments later. पारी काटने के बाद हम पहुंच गए हैं टेंट ग्रीनरी के पास, जो कि कैमरे में मुझे नहीं पता कैसी लग रही है, बट इन रियलिटी बहुत खूबसूरत है। जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने के लिए, इतना इजी तो नहीं है वैसे, लेकिन आना ज़रूर चाहिए इस जगह पे भी, बड़ी खूबसूरत जगह है, पैसे पूरे आम के। अगर आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी जो है वो ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स देख सकें। जगह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की जगह थी, इससे ऊपर भी जब जाएँगे तो आप दिखाएँगे। मेक श्योर करें कि लाजमी लाइक करें क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल। तजमुल भाई थोड़ा सा आप बोले ना। ये देखो आज हम आए हुए चाफा चंद में, यहाँ पे ये आधी ज़्यादा ज़मीनें कुमेले की है,
सबकी यही बोलना। ये वाला पट्टी कुमेल का है ना? कौन सी वाला? हाँ तेरी कौन सी है? मेरा वाला दूसरे वाला पट्टी, दूसरे वाला और वो वाला दिल का है। और ये दिल सबका, यहाँ पे तकरीबन आधा एक घंटा लगता है शिगर नीचे भी उसे। मजे की प्लेस है। लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार जिमल भाई, इसका क्या हाल है? सब्सक्राइब जो नहीं करते ना वो बड़े वो होते हैं। अब देख 100% में से 20% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 80% लोग अनसब्सक्राइब मतलब वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग वीडियो देखते हैं। तो यार ये बड़ी गलत बात है यार, ये बड़ा बहुत गलत बात। देखो आप बताओ यार, हमने जितनी अभी तक व्लॉग्स फेंके इतनी एफर्ट लगी है उनमें, पैसे तो खैर लगे ही लगे हैं, एफर्ट को देखें आप, पैसे तो खैर लग ही जाते हैं हर जगह, बट एफर्ट जो है ना बहुत लगाई हमने स्पेशली आप लोगों के लिए। हाँ ना, सिर्फ व्लॉग्स आपको अच्छे अच्छे दिखाएं तो थोड़ी मोटिवेशन के लिए यार कर दिया करो, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स बना सके। मैं आप लूमा कब लेके जाओगे यार पहाड़ों में? इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे को चल, रन हो गया। बाकी इस हफ्ते इन्होंने गोली खिला दी, नहीं तो हमने आज निकल जा रहा था, बट क्या कह सकते हैं। अजील भाई वो सही है, ये सारी जमीन आपकी है? हाँ हाँ, ये जितने भी है ये सब हमारे। अच्छा, ये सितंबर में यहाँ घास वगैरह हमने काटना है। अच्छा ठीक हो गया भाई, तो यहाँ पे आपको कोई घर से बनाने का मूड नहीं है? ये जगह बहुत फिट है, अभी रोड वगैरह अच्छा नहीं किया ना इस वजह से, मतलब फ्यूचर प्लान है। हाँ, इंशाल्लाह। पीछे मेरी भी ज़मीन है तो बता रहा हूँ। हाँ वहाँ पे पीछे उस साइड है। अच्छा, जो तरफ नज़र दिख रहा उससे आगे है। चलो और सोचेंगे ना, पूरा सोचेंगे हम भी फ्यूचर में इंशाल्लाह। बाकी नीचे पहुँच के देखते हैं कैसे मिलते हैं भाई। यहाँ पहाड़ों में एक चीज़ मैंने दरियाफ्त की है, पता नहीं क्या चीज़ है, पर जो भी है बड़ा जूसी और मज़ेदार है। ये देखो ज़रा फेस भी बड़ा मज़े का है, वो तो मुझे पहुँच के पूछूंगा मैं क्या चीज़ है ये, बहुत जूसी है। बाकी आप लोगों से मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घरों का ख्याल रखें।